कैसे हो सब लोग? आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार हम लोगों ने एक प्यारा सा विलेज ढूंढा था और थोड़ी बहुत माइनिंग की थी। और आज मेरा टारगेट होने वाला है थोड़ी बहुत फार्मिंग करना, क्योंकि वो हमारी आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि खाने से तो भाई, बिना खाने के तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब मुझे पहले थोड़ा एरिया सिलेक्ट करना होगा कहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। मैंने नीचे देखा था बहुत ज्यादा प्लेन एरिया है, नीचे थोड़ा बहुत प्लेन एरिया है। तो मैं अगर नीचे नहीं बनाऊँ, क्योंकि नीचे बहुत टाइम लगेगा जाने में, तो अब थोड़ा मेरे को डिसाइड करने दो। ऐसे कर सकता हूँ कि मैं स्टेप फार्मिंग भी कर सकता हूँ, वो भी चलेगा, लेकिन मजा नहीं आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा एरिया सही लग रहा है मेरे को। अभी ऐसे छोटी मोटी मैं कर सकता हूँ फार्मिंग। आगे चल के हम लोग थोड़ा बहुत सही करते चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी है, जानवर को कैद कर लेते हैं। क्या भाई, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, पहले मेरे को थोड़ी शवल लाने दो, उससे करेंगे, देखेंगे क्या होता है। थोड़ा एरिया क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मेरा घर बनेगा। ओके, यहाँ तो मैंने सब प्लान कर रखा है। थोड़ा खाना भी खा लेता हूँ मैं। हाँ, अब सही है। छिली वाली शवल मेरी रखी हुई है, एक और शवल मेरे को लग रहा है बनानी पड़ेगी। बना लेते हैं। कैसी रेसिपी मुझे याद है शायद। ओके, अब थोड़ा मेरे को यहाँ पे थोड़ा एरिया क्लियर करना है मेरे को। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ थोड़ा अच्छा एरिया लग रहा है मेरे को। घास भी हटा देते हैं। और एक टूल लगता है गाइस, एक टूल लगता है फार्मिंग करने के लिए। वो टूल पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसको होए कहते हैं। ओके, अब ये थोड़ा एरिया सही लग रहा है मेरे को। घास हटा देते हैं, ये थोड़ा और फ्लैट कर देता हूँ। यहाँ पे पत्थर आ गए यार, और मेरी शवल भी टूट गई है। ऐसे भी उसकी लाइफ बहुत कम थी। अब बस थोड़ा सा ही एरिया बचा है, जल्दी से कर लेता हूँ। अब भर के डर्ट आ गई है गाइस मेरे पास। देख रहे हो कितनी सारी डर्ट आ गई है, 2 स्टैक से ज्यादा डर्ट है मेरे पास। और मेरे को सीड्स भी भाई अच्छी खासी मिल रही है। 4 सीड्स है, इतनी कम सीड्स से काम नहीं चलेगा वैसे। अब मेरे को थोड़ा ये हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग मिट्टी पे उगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा डर्ट से एरिया भर दिया है, यहाँ पर भी भर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा एरिया चाहिए होगा मेरे को। ओके, अब पूरा बहुत अच्छा खासा एरिया फ्लैट हो चुका है। अब थोड़ी घास वास भी हटा देते हैं, इससे थोड़ी मेरे को सीड्स भी मिल जाएगी। थोड़ा एरिया मैं बड़ा कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे टाइप्स की मतलब फसलें उगाऊंगा। अबे डर्ट खत्म हो गई 30। अच्छा हाँ, डर्ट है मेरे पास, डर्ट की कमी नहीं होने वाली मेरे को जितना लग रहा है अब। ओके, बहुत ज्यादा एरिया फ्लैट हो चुका है। थोड़ा इसको भी ऐसे कर देता हूँ मैं, तुम्हारा ऐसे। अब सही है, अब पूरा अच्छा लग रहा है। मैं गाइस सोच रहा हूँ ना, स्टेप माइनिंग भी करते हो। स्टेप माइनिंग भाई अच्छी लगती है। ऐसे यहाँ पर थोड़ा ऐसे थोड़ा एरिया प्लेन फ्लैट कर देता हूँ मैं। मेरे को ये डर है गाइस, जो जानवर है वो ना खा जाए मेरे फसल से। ये मतलब ये गाय वाय है, ये डक है, क्या है, चिकन है ना। हाँ चिकन है, ये मेरी सीड्स खाएगी तो नहीं ना, वरना भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरा एरिया मैं फ्लैट कर रहा हूँ भाई फार्मिंग के लिए, कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे। हाँ अब सही लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, और रात भी होने वाली है। अब इतना एरिया मेरे को सही लग रहा है। अब मेरे को एक टूल बनाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत सीड्स भी ले लेता हूँ मैं। और भाई हमारे फार्मर्स भी है विलेजेस में, थोड़े फार्मर्स भी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी वो है, मतलब कि क्या कहते हैं, फार्म। देखो ये रहा एक फार्मर, और ये रही इसका फार्म, शायद यही होता है। ओके, अच्छा बंदा है भाई, हम लोग उसे ट्रेडिंग व्रेडिंग कर सकते हैं गाइस। और ये गड्ढे बंद कर देता हूँ, ये विलेजर्स फंस ना जाए यहाँ पे, आगे चल के हम लोग काम आएंगे ये सब। देखो भाई विलेज कितना बड़ा है, यहाँ से कितना बड़ा दिख रहा है यार भाई। यहाँ भाई कितना मतलब ऊंचाई में ये है, थोड़े घर ऊंचाई में भी है। और यहाँ पे हेबल्स रखी हुई है, रखे रहने दे, विलेजर्स खा पी लेंगे। ओके अब चलते हैं हम लोग अपना फार्म में काम करने, सो लेते हैं, रात हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अब मेरे को फार्मिंग का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे को एक बकेट बनानी पड़ेगी। ओके, एक बकेट, और मेरे पास सीड्स भी ले लेते हैं बस। इसे ये सीड्स हो गई, और ये पोटैटो, वाटरमेलन भी उगा सकते हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, और क्या क्या है हमारे पास, कुछ काम का और लग नहीं रहा है। कैरेट्स, यस कैरेट्स भी उगा सकते हैं हम लोग। अब इसके लिए मेरे को एक टूल चाहिए होगा, और उसके लिए स्टिक्स नहीं है मेरे पास। अरे भाई अब विलेजर्स के पास जाना पड़ेगा वापस से, विलेजर्स हमारे काम आ गए। ओके विलेजर्स, बस थोड़ा सा यार दे दो मेरे को, थोड़ा सा बस चाहिए मेरे को। अबे
मेरी पिकैक्स टूट गई। बस दो वुड इनफ है यार, दो वुड इनफ है। अब इससे मेरे को बनाना है, क्या बनाना है भाई? अच्छा ये देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी हो सकता है काम। अब थोड़ा स्टिक्स बना लेते हैं हम लोग। बैम्बू स्टिक बना सकते हैं, मेरे पास बैम्बूज है गाइस। मैंने देखा मेरे पास बैम्बूज है, बैम्बूज की हम लोग खेती कर सकते हैं क्या? बैम्बूज की खेती, ओके एक बैम्बू है मेरे पास, इसको वैसे यहाँ उगा दे। ओके ओके ओके, अब मेरे को वो बनाना है गाइस। एक पहले बकेट बना लेता हूँ, बकेट कैसे बनती है। हाँ एक बकेट बना लेते हैं और एक होए बना लेते हैं, लिखा होगा कहीं पे होए। हाँ ये आयरन होए, हाँ ओके। मेरे को थोड़ा पानी चाहिए होगा, इनफिनाइट वाटर सोर्स बनाते हैं इसके लिए। यहाँ पर एक वाटर, थोड़ा पानी ले लेते हैं, यहाँ पे इनफिनाइट पानी है। इतनी सारी घास है भाई, थोड़ा हम लोग सीड्स कलर कर लेते हैं। सीड्स से मेरे पास अच्छी खासी है, लेकिन तब भी कमी पड़ सकती है। यहाँ पे इनफिनाइट वाटर मैं बना लेता हूँ। अब भाई अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया, अब हम लोग को काम पानी की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है, इतना मैं फुल श्योर। देखो हम लोग कितनी बार पानी उठा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके तो अब मेरे को थोड़ा खेती करने दो। पहले मैं किसकी खेती करूँ? रुक जाते हैं, एक यहाँ पर, एक दो तीन चार यहाँ पे। अबे अरे यार, यहाँ पे गड्ढा है बहुत बड़ा, इसको मैं फिल कैसे करूँ मुझे नहीं पता। रुक जा थोड़ा, इस गड्ढे को मैं फिल कैसे करूँ? ऐसे कर सकता हूँ मैं फिल, यस ऐसे मैं फिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पे मुझे होए चाहिए, एक दो तीन चार, मैक्सिमम चार रेंज है इसकी, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये जल्दी मेरे को गीला हो, इसको थोड़ा मतलब ये थोड़ा मॉइस्चर हो जाए कि फर्टाइल हो जाए, ऐसा ही कुछ होता है भाई यार। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ पहले। ओके एक इतना एरिया सही हो चुका है, हम लोग पहले सीड्स उगाते हैं, सीड सही है। ओके हम लोग एक एडवांसमेंट मिल चुका है, ये आ क्यों नहीं रहा है ब्रो? ओके हो गया हो गया, ये देखो ये खाने आ रही है क्या? क्या अबे भाई, ये क्या भाई, मैं नहीं खिला हुआ, मेरे पास कमी है, मैं खेती कर रहा हूँ अभी, ये मेरे पास क्यों आ रही है? हटो भाई यहाँ से, हटो, हाँ जाओ यहाँ से जाओ, हाँ भाई आना नहीं मेरे खेत पे, नजर ना डालना। यहाँ पे फेंस भी लगानी पड़ेगी यार, वरना ये जानवर सारी खा जाएंगे मेरी सीड्स। रुक जाओ यहाँ से थोड़ा निकालते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे पोटैटो की खेती कर लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इक्वल चाहिए होगा। अब मैं क्या उगा सकता हूँ? गाजर भी यहीं बीच में लगा देते हैं, कभी तो काम आएगा ना। अब मुझे क्या करना है? इतना सारा मैंने यह कहते एरिया किसके लिए क्लीन किया था ब्रो? मुझे थोड़ा और पानी चाहिए होगा, मुझे वाटरमेलन भी लगानी पड़ेगी। ओके वाटरमेलन सीड्स 7 है, इससे ऐसे सीड बन जाएगी 7। और मैं क्या कर सकता हूँ? रुक जाओ थोड़ा यहाँ पे पहले छेद करता हूँ, ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ओके ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। और ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये स्टेप माइनिंग भाई बहुत अच्छी है। ऐसे करेंगे तो हमारा वाटर मिलन फार्म थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ अब सही है, क्योंकि वाटर मिलन गाइस कोने में लगते हैं और कहीं लगते हैं। ये वापस आ रही थी ना मेरे पास, लाल चीज की हड़िया से। अरे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये बार बार आ रही थी ना। देखो ये देखो, खराब कर रही मेरा खेत, ये खेत मेरा खराब कर रही ना। तुम्हारा ही अंडा तेरे मुंह में मारू घर को। हाँ अबे कहाँ गया अंडा? दो अंडे आ गए ब्रो, वाओ। अब अंडे रख लेते हैं, इस मुर्गी पे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और चलो अंडे हम लोग रख दिए। गाइस पम्पकिन भी है हमारे पास, पम्पकिन से 4 सीड मिल रही है। ओके गाइस वाटरमेलन सीड्स भी आ चुकी है यार, जो भी वो सीड्स आ रही है क्यों आ रही है? हट तुम, हट ऐसे, फालतू में बार बार आ रही है, परेशान कर रही है। वैसे मैंने उसको मार दिया, ऐसे कोई नहीं आप बार बार परेशान कर रही थी। मेरे को एक और सीड चाहिए होगी यहाँ पे लगाने के लिए। अब मेरे पास सब सही हो गया है। ओ बैम्बू कितना हो गया, वाह भाई आई लाइक इट। ओके भाई बैम्बू हम उसको तोड़ सकते हैं क्या कुछ? ओके सारी टूट गई। मेरे को यहाँ कितनी बैम्बू मिली? 4 बैम्बू मिली। तो उसको और ऐसे ग्रो कर देता हूँ मैं, अब सही लग रहा है मेरे को। और थोड़ा खेती वेत कुछ है कि नहीं है यार? मेरी फसल उग रही है गाइस, आई कैन सी इट फ्रॉम एयर एंड आई कैन फील इट फ्रॉम एयर। देखो गाइस उग रही है, कितनी प्यारी फसल है, कितनी प्यारी फसल है। थोड़ी और सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसको भी ग्रो कर देते हैं, बाद में अपना ही फायदा है। हम लोग को बस 2 सीड्स मिली, इसको भी प्लांट कर देते हैं। अब गाइस हम लोग वो कर सकते हैं, ऐसे गायों को, शीप को और चिकन्स को भी हम लोग कैद कर सकते हैं।
तो उनको कैद करने के लिए भाई मेरे पास वुड नहीं है यार, मेरे को वुड की भी खेती करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को सैपलिंग्स चाहिए होगी। अब सैपलिंग्स कहाँ से लाऊं, यहाँ पे पेड़ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, उतना दूर मैं जाने नहीं वाला लिटरली ब्रो। भाई इतना भाई वुड नहीं है यहाँ पे मुझे, भाई अब मैं विलेजर सी वुड कब तक चुराता रहूंगा, जरा ये लोग भी कंकाल हो जाएंगे। यहाँ आसपास पेड़ है, ओके वाटर बकेट लाया हूँ ना मैं, अब क्या करता हूँ मैं ऐसे उधर, अरे यहाँ पे है तो फ्री की फेंस रखी हुई है यहाँ पे कितनी सारी, ऊपर भी होगी लेकिन भाई वुड की सैपलिंग मेरे को चाहिए। ओके ओके पूरी लिफ्ट अच्छे से बन चुकी है, तुम लोग भाई मजे करो, गर्मियाँ चल रही है, स्विमिंग पूल है तुम लोग का। ओके यार थोड़ी वुड कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, सॉरी सैपलिंग्स, मेरे को सैपलिंग नहीं मिली, ओके एक सैपलिंग मिली, ओक सैपलिंग बस एक की चाहिए थी मेरे को। अब रात वापस से हो रही है, वापस से सोने चलते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से फेंस चुरा लूँ, एक फेंस गेट भी है यहाँ पे, तुम लोग गायो तुम लोग आजाद हो जाओ, यू आर फ्री। मैं थोड़ी फेंस ले लेता हूँ अपने लिए भी है, हम लोग अपनी ऊपर जाके खेती करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत वो है, बहुत नीचे एरिया है यार। गाइस मुझे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है, मैं शायद थोड़ा गलत टाइम में आ गया हूँ, मेरे को ऊपर जाने दो प्लीज। व्हाट द हेल, अरे युद्ध चल रहा है यहाँ पे गाइस, मुझे अपने आर्मर लगाने दो। ओ ओके हट भाई, मार रहा है मेरे को, मारेगा बेशरम कहीं के, कोई और ना आ जाए ब्रो। भाई खाना खा तो लो, जल्दी से खाना खा लेता हूँ मैं, अब चलता हूँ। ओके लेट्स, अबे यहाँ पर भी स्केलेटन है इसको, नहीं क्रिटिकल मारता हूँ, क्रिटिकल मारना मैं सीख चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैड वॉर्स भी खेलता हूँ गाइस, मैं आई एम नॉट नूब। अब धीमे खेल लेते हैं, पुलिस लेगा गेम के बारे में, और थोड़ा सा लेते हैं यार, मुझे थोड़ा और फेंस चाहिए, यहाँ पे फेंस है क्या, ये फेंस मेरे को लग रही है, ये भी ले लेते हैं भाई अपना ही काम आएगा। अपने पास एक्स नहीं है यार, बहुत टाइम लग रहा है काटने में ये सब, मेरे को शॉर्ट से काट रहा हूँ यार मैं, यार कितना अजीब बंदा हूँ। अब मेरे पास कितने फेंस आ गई है, फेंस 16 फेंस, ओके 16 फेंस 3 फेंस गेट, सही है भाई। बैम्बू कितने बड़े हो रहे हैं, वैसे बैम्बू का काम क्या है, एक तो स्टिक बनाने का काम है और क्या है, ए ओके सुबह किसका मुंह देख लिया, क्रीपर यहाँ मत तोड़ा फाड़ी नहीं, ओके नहीं प्लीज आखिरी शॉट है ये, ओके अब मैं क्या करने आया था, हाँ मेरे को करना है एक फेंस बनाना है, फेंस गेट मतलब किसे फेंस लगा दूं मैं, कैसे लगाऊं, बस यहाँ पे गेट लगा देता हूँ। अरे गाइस मेरे को एक और चाहिए होगा, एक और चीज चाहिए मेरे को, एक और फेंस चुरा के लाना पड़ेगा यार, फिर मैं यहाँ पे गायों मैं क्या रखूंगा, मेरे हिसाब से गाय अगर रखते क्योंकि गाय की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, गाय नहीं शीप नहीं, क्या रखे, चिकन रख ले, चिकन बिरयानी खाएंगे, धीमे सब रखेंगे गाइस, पहले हम लोग गायों को कैप्चर करते हैं, फिर हम लोग पिग्गीज को कैप्चर करेंगे, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी उसको कैप्चर करेंगे हम लोग। यहाँ से पीछे के रास्ते से लाऊंगा मैं, गाय अट्रैक्ट होती है वीट से, ओके मेरे पास वीट है कि नहीं मेरे को नहीं पता है, थोड़ा खाना भी खा लेता हूँ, वीट है, ओके गाइस वीट है मेरे पास, गायों को लाता हूँ, यहाँ पे एक गाय है, पिग्गीज भी बहुत सारे हैं यार, पिग्गीज ज्यादा है गाइस यहाँ पे, ओके गाय भी बहुत सारी है यहाँ पे, आओ गाय तुम भी आ जाओ, ओके सब आओ धीमे सब आओ, वहाँ पे 3 गाय है यहाँ पे, ओके सब आओ भाई, इतने धीमे चल रहे यार ये लोग, खाना तुम लोग को नहीं खाना, जल्दी आओ, यहाँ पे पिग्स भी बहुत है गाइस, इतने सारे, एक और है यहाँ पे, इसको भी ले लेता हूँ मैं, पिग्स भी गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पिग्स को भी जरा कैप्चर करते हैं, एक ही फेंस पे सबको घुसेड़ देंगे कोई फायदा नहीं है, सबकी ब्रीडिंग करवा के काम, गाय से दोनों को लेदर मिलती है, लेदर भी आके काम आएगी, ओके बस 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 ज्यादा कुछ नहीं। अब मेरे को क्या कहते हैं, एक कैरेट दे दो बस, एक कैरेट बस, अब सही है, अब इसको ऐसे जाते हैं शीप्स को, पिग्गी आ गया हमारा पिग्गी, एक और पिग्गी यहाँ पर है, पिग्स थोड़ा तेज भाग रहे भाई, सही है, अपने सारे दोस्तों को बुला लो, सबको किडनैप करूंगा मैं आज, ओके सब आ जाओ भाई सब आओ, ओके वहाँ पे कौन है, कुछ अलग टाइप के जानवर मिले, ओके अभी बाद में देखते हैं, शायद क्या पता नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे, पिग्गी से बड़े और एक और बंदे आ जाओ, यहाँ पे चिकन भी कितनी सारी है, चिकन को भी किडनैप करूंगा मैं, रुक जाओ यहाँ पे घोड़े भी है, बहुत सही आओ पिग्गी आओ, अरे वो कहाँ रह गया, आना नहीं भाई खाना नहीं खाना तुम लोग को, जल्दी आओ पीछे आओ यार बहुत टाइम लगाते हैं लोग, नो गया कोई बाहर नहीं निकलेगा, जल्दी आओ नहीं नहीं पैसा बर्बाद, रुको यार नहीं मैंने खिला दिया ना,
आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ पिग ब्रो। गैया भी निकल गई, बहुत वो हो रहा है यार। जल्दी आओ, मेरे को भीड़ बुलानी पड़ेगी। तो पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ पीछे जाओ। आने दो पिग्गीस, आओ बस अब सही है। हाँ यहाँ पे तीन गैया तीन पिग्गीस, उनकी पॉपुलेशन इक्वल है, अब सही है भाई। इतना सब काम सही है। ओके गाइस, हम लोगों ने फार्मिंग वार्मिंग आज कर ली अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा। अगली बार हम लोग क्या कहते हैं अपना घर बनाने की ट्राई करेंगे। आप तो थोड़ा आइडिया देना हम लोग क्या बना सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को मजा आई हो। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।